चाहे मेरी आहें तमाम हो, सूखे पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं। ओ मेरे दिल की ये जमी है बंजर पड़ी, सैराब कैसे करूं। मन्नते मांगू मैं और दुआ ये करूं, तुझसे दुआ मैं करूं। मैं आपसे निकाह तब करूंगी जब आप अपनी मामा को राजी करेंगे। और उससे भी पहले फराज का मुझे आजाद करना बहुत जरूरी है। शिजा को तलाक दो और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते। तो आप डर गए उनके गीदड़ भक्तियों से, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। ना ही मैं इन पेपर्स पर साइन करूंगा और ना ही शिजा को छोड़ूंगा। खातून महर सुल्ताना से भी बात कर रहे थे फोन पे। वो असल में उनके बेटे ने मेरी भांजी को अगवा किया, जिसकी एफआईआर लिखाने हम आपके पास आए। क्या आपने उनका घर देखा हुआ? जी। तो फिर चलें। आहें तमाम हो, इल्तिजा है मेरी आहें तमाम हो, मुझ पे गुजरी है जो इनका जवाज़ हो। शिजा, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो मुझे। बहुत ज्यादती की है मैंने तुम्हारे साथ। मम्मी ऐसे क्यों कर रही है? तुम बहुत अच्छी हो शिजा। नहीं मामी, प्लीज ऐसे मत करें। हुई से काम। बहुत अच्छी हो, मैं बहुत बुरी हूँ। बहुत बुरा किया मैंने तुम्हारे साथ। मामी मत रोइए, आपने कुछ नहीं किया। मेरी बच्ची, आशिर बेटा, बात समझने की कोशिश करो। देखो, जब तक तुम्हारी वालदा इस रिश्ते पे राजी नहीं होंगी तो शिजा को भी इस रिश्ते से इनकार ही रहेगा। बेटा, मैं शिजा के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। वो पहले ही दुख और कर्म में घिरी हुई है। ठीक है, खुदा हाफिज़। शिजा बेटा, तुम जो भी फैसला करोगी मैं तुम्हारे साथ हूं। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी करे। जलाल बोल रहा हूँ। इस तरह अंधेरे में बैठने से जिंदगी आगे तो नहीं चलेगी ना। जिंदगी में बचा ही क्या माँ, आपको मैं नाराज नहीं कर सकता और शिजा के बगैर मैं जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता माँ। तुम्हें याद है हाशिर, तुमने मुझे क्या कह के दुबई जाने से रोका था? सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं दुबई नहीं गई। अब अगर तुम इस तरह बिहेव करोगे बच्चे तो मैं चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती हूँ बेटे, तुम्हें ये बात क्यों समझ नहीं आती? मैंने टीवी पे न्यूज देखी थी, अब तो सब खत्म हो गया। तुम्हें भी चाहिए नई जिंदगी का आगाज। तुम्हें याद है ना कल हम लड़की वालों की तरफ जा रहे हैं? लड़की मुझे बहुत पसंद है बेटे, मैंने उनसे सब बात कर ली है। ओके? और मेरी मोहब्बत? शादी के बाद वाली मोहब्बत ज्यादा देर का होती है। आ जाएगी तुम्हारी समझ में भी ये बात। माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं पूछ नहीं रही हूँ तुमसे बेटे, बता रही हूँ तुम। हुक्म है ये मेरा। नहीं जी, बस निकल रहे हैं 10 मिनट में। जी 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 बिल्कुल पहुंच। ओके ओके, लाओ बेटे जूते दे दो, चादर लाओ मेरी। क्या बात है, मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? अरे बाप, तो बहुत ज्यादती कर रहे हो तुम अपनी माँ के साथ और उन लोगों के साथ जिनके घर हम जा रहे हैं। प्लीज चीयर अप। ओके चलो तैयार हो जाओ जल्दी, निकल रहे हैं 10 मिनट में। बगैर तुम्हें मिले ही मुझे तारीख देने को तैयार थे और मैंने इंसिस्ट किया कि सब तय करने से पहले एक बार तो आपस में मिलना ही चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अब वो आप यहाँ पे? हाशिर बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे कल रात रेहाना बहन ने जब फोन किया तो मैंने सारी हकीकत शुरू से लेकर आखिर तक इनको बता दी। सारी हकीकत जानने के बाद रेहाना बहन ने जरा भी वक्त नहीं लगाया, मुझसे मेरी शिजा का हाथ मांग लिया और मैं इनकार नहीं कर सका। मॉम ये सब क्योंकि मैं जान गई थी बेटा कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए कितने जरूरी हो। मॉम थैंक यू सो मच। शिजा बेटा आओ। इल्तिजा है मेरी आहें तमाम हो मुझ पे गुजरी है जो उनका जवाज़ हो। हाशिर 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 गुड मॉर्निंग। अरे यार सोने दो ना। अब और कितनी देर आराम करना है आपने, जल्दी से उठ जाएं। और वैसे भी आपने डिसाइड किया था कि आज से आप ऑफिस जाएंगे और आप खुद ही आराम करें। उठ जाएं, आंटी नीचे वेट कर रही है नाश्ते के लिए। इतनी हसीन सुबह है, बजाय रोमांटिक बातें करने के तो मुझे ऑफिस जाने का कह रही हो। और ये रोमांटिक बातें बंद करें और जल्दी से नीचे आ जाए, आंटी वेट कर रही होंगी। तो करने तो उन्हें दो। हाशिर देर हो रही है आपको, जल्दी से आ जाए। उठे, कब से वेट कर रही हूं मैं। अरे उठ रहा हूँ बाबा, क्या हो गया? मुझे मारा आपने। अच्छा उठ रहा। बहुत देर हो गई है। उठ गया। रोजाना का तमाशा बना लिया ऐसे। अरे बाबा उठ गया। आप अभी भी नहीं उठे, जल्दी जाए। अच्छा आ रहा हूँ। जल्दी भाई, फिर क्या सोचा है तुम दोनों ने? हनीमून का क्या प्लान है? जो भी जगह आंटी को पसंद हो, क्योंकि हम जहां भी जाएंगे आंटी हमारे साथ जाएंगी। अरे मैं क्यों जाऊंगी, तुम दोनों का हनीमून है, तुम दोनों जाओगे। नहीं आंटी, हम दोनों आपको अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। हम जहां भी जाएंगे तीनों साथ ही जाएंगे। मॉम शिजा बिल्कुल ठीक कह रही है, आपके बगैर कोई भी खुशी कंप्लीट नहीं है। जीते रहो मेरे बच्चों, अल्लाह करे तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो, मुस्कुराते रहो। तुम नहीं, हम। नाश्ता कर लेते हैं आप। ठीक से खाना बेटा। काश सीमा तुम जिंदा होती, एक बार मैं तुमसे भी माफी मांग लेता। बहुत दुख दिया है मैंने तुम्हें। अरे मैंने तो अपनी सगी औलाद को भी नहीं बख्शा, लेकिन शीजा के सब्र ने उसे कितना अच्छा सिला दिया। हमारी शीजा अपने घर में आबाद है। हो सके तो मुझे माफ कर देना, माफ कर देना सीमा, मुझे माफ कर देना। हेलो, अस्सलामुअलैकुम मामू, कैसे हैं आप? हाँ, और कैसी हो बेटा? हाशिर कैसा है? मामू हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। बस आपकी बहुत याद आ रही थी, मैंने इसलिए फोन कर लिया। हाँ तो बहुत अच्छा किया बेटा। तुम लोग कभी चक्कर लगाओ ना घर पे। जी जी मामू, इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे। बल्कि हाशिर ने भी आज से ही दोबारा ऑफिस जाना शुरू किया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मामू घर में सब कैसे है? मारिया से बात हुई आपकी? हाँ बेटा हुई थी, वो खूब पढ़ाई में लगी हुई है। ये तो अच्छी बात है, अच्छा है पढ़ाई में दिल लगाए। हाँ बेटा, इसीलिए भेजा है उसको उसके सगे मामू के घर। भाई मुझे भी तसल्ली रहेगी और उसकी पढ़ाई भी हो जाएगी। बिल्कुल सही किया आपने मामू, बस 2 साल की तो बात है, फिर तो उसने वापस ही आना है। शिजा बेटा तुम खुश तो हो ना? मामू मैं बहुत खुश हूँ। हाशिर और आंटी मेरा बहुत ख्याल रखते है और आंटी भी अब बिल्कुल बदल गई है। चलो बेटा बहुत अच्छी बात है, अल्लाह तुम्हारा घर आबाद रखे। यकीन जानो तुमसे बात करके बहुत खुशी हुई। हाशिर को मेरी तरफ से बहुत दुआ देना। जी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। इल्तिजा है मेरी आहें तमाम हो। अस्सलामुअलैकुम मम्मी, आप अब तक नाराज हैं मुझसे? मुझे माफ नहीं कर सकते? एहसास हो गया मुझे अपनी गलतियों का। तो फिर आप चली क्यों गई? अब मैं सिर्फ बिजनेस पर तवज्जो देना चाहता हूँ। बहुत इग्नोर कर लिया मैंने सब कुछ। आप फिक्र ना करें, बस आप वापस आ जाएं। जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। ख्याल रखिएगा आप। खुदा हाफिज़। शिजा, शिजा आ भी जाओ। बस 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 आ गई मैं। लीजिए मैं आ गई। इससे क्या देखना है? देख रहा हूं कि कोई इतना खूबसूरत भी कैसे देख सकता है। प्लीज सही से मुझे बताओ, मैं ठीक तो लग रही हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब परफेक्ट है। ये जो लड़की है ना, मैं इसे हमेशा ऐसे ही देखना चाहता हूँ। वादा करो कि तुम इसका हमेशा ख्याल रखोगी, इसे कुछ नहीं होने दोगी। देर होगी अब तो, वेट करिए। अब तो मॉम को जाने दो ना, हम घर पे आउट कर देंगे। हाशिर चले चल। बस हाशिर की यही ख्वाहिश थी कि सब कुछ सादगी से हो। और तुम्हें तो पता है आजकल के बच्चों के तो दिमाग में अगर कोई बात आ जाती है तो फिर कहाँ सुनते हैं। रेहाना, तुमने तो एक अलग ही ट्रेंड सेट कर लिया है, वरना हमारे सर्कल में इतनी सादगी से शादी होती तो नहीं है। बट अपनी डॉटर इन लॉ से मिलवाओगी नहीं? अरे क्यों नहीं मिलवाऊंगी, अभी बुलाती हूँ। शिजा इधर आओ मेरे बच्चे, इनसे मिलो। ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है यास्मीन। रेहाना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही लड़की तो नहीं जिसके पिछले दिनों न्यूज़ चैनल पे काफ़ी स्टोरीज आ रही थी, जिसके बाप ने उसे पैसों के लिए बेच दिया था। वैसे तुमने काफ़ी मुश्किल फैसला किया है। अब मैं तुम्हारी ये शादी सादगी से करवाने की वजह समझ सकती हूँ। कुछ देर के लिए अब्बू से मिलना चाह रही थी। अगर आप इजाजत दें तो थोड़ी देर के लिए मैं उनसे मिला। ये सिलसिला जितना कम हो उतना ही अच्छा है बेटे। पहले की बात और थी, लेकिन अब तुम मेरे घर में हो। यहाँ पे जरा सी भी ऊंच नीच होगी तो मुझे फर्क पड़ता है। मेरी टाई तो बांध दो जरा। पहले तो आप ये सब कुछ खुद कर लेते थे, अब क्या हो गया? अब ये हो गया है कि तुम जो आ गई हो। क्या बात है शिजा, कुछ कह रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। शिजा, मुझे नहीं बताओगी? हाशिर, वो मैं अब्बू से मिलना चाह रही थी। बहुत याद आ रहे थे, बहुत दिन हो गए ना मैंने उन्हें देखा है ना ही उनसे बात हुई है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए अगर। हाँ तो चली जाओ, इसमें मसला क्या है? वाकई चली जाऊं? हाँ बाबा, तुम्हारे अब्बू हैं और मैं कौन होता हूँ तुम्हें तुम्हारे अब्बू से मिलने से रोकने वाला। लेकिन मुझे लगा आपको मेरा वहां जाना बुरा लगेगा। तुम्हें गलत लगा है। अभी मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, नहीं तो मैं तुम्हें खुद ले जाता। नहीं नहीं, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, बस थोड़ी देर के लिए जाना है। अच्छा मैं चलता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। एंड थैंक्स फॉर द टाई। हाशिर, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। या चाय भी बना दो। थैंक यू। कहीं जा रही हो बेटे? जी आंटी, वो मैं कुछ देर के लिए अब्बू से मिलना चाह रही थी। अगर आप इजाजत दें तो थोड़ी देर के लिए मैं उनसे मिला। हाशिर को बता दिया था? जी हाशिर को मालूम है, बस आपकी इजाजत चाहिए। चली जाओ, बाप हैं तुम्हारे, लेकिन ये सिलसिला जितना कम हो उतना ही अच्छा है बेटे। पहले की बात और थी, लेकिन अब तुम मेरे घर में हो। यहाँ पे जरा सी भी ऊंच नीच होगी तो मुझे फर्क पड़ता है। जी आंटी। और कोशिश करो बेटा कि फोन पे ही खैरियत पता कर लिया करो, ये मिलना जुलना जरा कम ही रखो। जी चलो जाओ, जल्दी वापस आना। अच्छा है। अरे भाई शुक्र करो सर का मूड अच्छा हो गया, और वैसे भी उस लड़की का किस्सा तो खत्म हो गया। सर की तवज्जो काम की तरफ ज्यादा होगी। वाकई अल्लाह करे इन्हें भी अब हमारा कुछ ख्याल आ जाए। पूरे 1 साल का इंक्रीमेंट लटकाया हुआ है। कहे तो तुम ठीक रहे हो। चलो अल्लाह करे ऐसे ही हो। ठीक है, तुम लोग अपना काम करो। अरे शिजा बिटिया आजा आजा, बैठ बेटी। आपने क्या हाल बनाया हुआ अपना, काफी कमजोर से हो गए आप। अरे नहीं बेटा, तुझे ऐसा ही लग रहा है, देख मैं कितना हट्टा कट्टा। जी नहीं, मैं जानती हूँ आपको, आप अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते होंगे। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत दुख दिया। तू हमेशा अपनी माँ की तरह खामोश रह जाए। मैं तुझसे बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ कर दे मुझे। तो प्लीज, आप क्या कर रहे हो? मुझे आपसे कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं, और गलती किससे नहीं होती। आपको एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। जीती रहे बेटा, अल्लाह तुझे आबाद रखे। एक वादा करेंगे अबू? बोल बेटा। वादा करें, आप कभी जुआ नहीं खेलेंगे, इस दलदल में आप कभी दोबारा नहीं फंसेंगे। वादा, कभी भी नहीं जाऊंगा। मैंने वादे तुझसे पहले भी बहुत किए, ये वादा मैं निभा के दिखाऊंगा। बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। देख हाँ रक्षा बेटी, कैसी हो? अरे बेटा यहाँ सब ठीक है, तुम बताओ, तुम ससुराल में खुश तो हो ना? अच्छी बात है बेटा, ससुराल में दिल लगाने की कोशिश करो और अपने सास ससुर को अपने माँ बाप की जगह दो। और अब तो तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है। हाँ बेटा, मारिया भी अपने घर में बहुत खुश है, और वैसे भी उसको अभी गए हुए दिन ही कितने हुए हैं। देखो रक्षा बेटा, जो हमारे घर के हालात थे और जो गलतियां तुम्हारी माँ ने की तुम अच्छी तरह जानती। बस एक बाप होने के नाते मैं तुमसे यही कहूंगा कि अपनी माँ की गलतियों को दोहराना कभी मत, उनसे सीखने की कोशिश करना, बल्कि मोहब्बत और इज्जत से अपने ससुराल वालों के दिल जीतने की कोशिश करना। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। विश्राम। रेहाना, तुमने क्या किया अपने साथ? किस तरह की लड़की को अपने घर लेके आ गई हो? क्या करती, लाख समझाने की कोशिश की है हाशिर को, हर तरीका हर हरबा इस्तेमाल किया है, कोई फायदा नहीं। साफ नजर आ रहा था कि अगर और ज्यादा प्रेशर डालूंगी तो शायद मैं अपना बच्चा ही खो दूं। बेटा तो हाथ से जाने नहीं दे सकती थी ना, क्या करती? फिर आखिर मान ली उसकी। अब तो जो भी है जैसी भी है बस यही है। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी कंडीशन, पर देखो अपने सर्कल में ज्यादा इसे इन मत रखना, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। I know। शिजा, शिजा, शिजा तुम रो रही हो? नहीं तो। इधर देखो मेरी तरफ, मुझे बताओ किसी ने कुछ कहा है? मामा ने कुछ कहा है? नहीं हाशिर, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, तो तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहते, ठीक है? मैं भी आइंदा तुमसे कोई बात शेयर नहीं करूंगा। हाशिर, मुझे ऐसा लगता है जैसे जो कुछ भी हुआ सब गलत हो गया। क्या मतलब? क्या सब? इस तरह जो कुछ भी फराज ने मेरे साथ किया, हमारी शादी, तुम्हें मेरी वजह से कितनी मुश्किलें फेस करनी पड़ती होंगी। कम ऑन शिजा, क्या बच्चों वाली बातें करें? शादी होने से पहले भी तो मैं सब हालात से वाकिफ था, तो फिर भला किस चीज की परेशानी होगी? पता नहीं क्यों मैं बहुत गिल्टी फील करती हूं। शिजा, ये फालतू की बातें सोचना छोड़ दो, खुश रहा करो। अब मैं तुम्हारे मुंह से कोई भी ऐसी बात ना सुनूं, ओके? लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। और आप आज रात हम डिनर पे जा रहे हैं, बी रेडी। अंदर कैसे आया? क्या उस्ताद, अब दरवाजा खुला छोड़ोगे? मैं तो क्या, कोई डाकू भी अंदर आ जाएगा आराम से। डाकू यहाँ आके क्या ले जाएगा? यहाँ तो खाने के लिए ढंग का खाना भी नहीं है। कैसे उस्ताद, बड़ा अरसा हो गया है, कोई दाव नहीं लगाया तुमने? कसम से तुम्हारे बगैर मजा नहीं आता गेम में। नहीं यार मना, मैंने शीजा बेटी से वादा किया कि अब जुआ नहीं खेलूंगा। अबे मैंने क्या लतीफा सुनाया तुझे? ये लतीफा ही तो है उस्ताद। ऐसे वादे तुमने भाभी से भी किए थे और दूसरे दिन ही आ जाते थे खेलने। अब नहीं हो पाएगा मुन्ना, बेटी की खुशी से ज्यादा मुझे कोई चीज अजीज नहीं। चलो देखते हैं। तो चाय तो मिला दो। चाय का सामान नहीं है घर पे। चलो फिर आज बाबू के होटल पे चलते हैं। चाय मुन्ना की तरफ से। चाय मुन्ना की तरफ से। अच्छा बंद करो, मैं कहता हूं खामोश। क्या हुआ? शिजा और हाशिर को देखकर चल गए। जलन हो रही है ना? अच्छा नहीं लगा? तुम शिजा को खुश क्यों नहीं रख सके? सिवाय आंसू के तुमने उसे दिया क्या है? हाशिर के साथ वो कितनी खुश लग रही थी। हाशिर शिजा से सच्ची मोहब्बत करता है, इसलिए मुझे घुटने टेकने पड़े उसके आगे। इसीलिए चली गई वो छोड़। मैंने शिजा को नहीं छोड़ा। मैं अब भी उससे उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले करता था। शिजा सिर्फ मेरी है, सिर्फ फराज की, समझे? लेकिन अब तो तुम्हें भुलाना पड़ेगा फराज। शिजा अब हाशिर की हो चुकी है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। वो दोनों बहुत खुश हैं। भूल जाओ अब शिजा को और अपनी हालत देखिए। तुमने अकेले हो गए हो ना कितने। कहता हूं बकवास बंद करो। शिजा सिर्फ मेरी है, सिर्फ फराज की। मुझसे कोई नहीं छीन सकता शिजा को, हाशिर भी नहीं। क्या बात है इतनी खामोशी हो? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ठीक हूँ, ऐसे जरा बीपी लो फील हो रहा है। आंटी आपको तो फिर रेस्ट करनी चाहिए थी। आप मुझे पहले बताती, मैं आपके रूम में ही सर्व करवा देती। काम की क्या सूरत हाल है हाशिर? कैसा चल रहा है ऑफिस में? मॉम ऑफिस बिल्कुल सही जा रहा है, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं देख रहा हूं। वो मॉम, मैंने और शिजा ने डिसाइड किया है कि हम हनीमून के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं। क्या मतलब है? तुमने इंग्लैंड का प्लान बना लिया और मुझे बताया भी नहीं, पूछा भी नहीं मुझसे? आपने तो कहा था कि प्लान बना के आपको बता दें। मैंने कहा था प्लान कर लो, ये नहीं कहा था कि फाइनल करके मुझे बता दो। नहीं नहीं आंटी, अभी फाइनल नहीं किया। हाशिर कह रहे थे कि पहले आपकी इजाजत लेंगे फिर इतनी दूर जाएंगे। हाशिर, मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें बिजनेस को छोड़ के सब कहीं भी जाना चाहिए। पहले ही तुम दूसरों के पीछे भाग भाग के काफी वक्त बर्बाद कर चुके हो। लेकिन बस हाशिर, कोई बहस नहीं। ज़किया, मेरी कॉफी मेरे कमरे में भिजवा दो मुझे। हाशिर, आंटी ठीक कह रही है, आपकी जरूरत बिजनेस को ज्यादा है। जिंदगी दिए मालिक तूने, हर तरफ जलालत ही जलालत है। कंपनी को इतना बड़ा नुकसान हो गया और ये फाइल अब लेकर आ रहे हैं। शिजा केस के बारे में बच्चे बच्चे को पता है कि ये वही लड़की है जिसको उसके बाप ने चंद पैसों के लिए बेच दिया। आप तो जानती हैं ना, मैं बेकसूर थी। मैं हाशिर को नहीं खोना चाहती। अल्लाह मेरी मदद कर दे। पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं? ओ मेरे दिल की ये जमी है बंजर पड़ी, सैराब कैसे करूं? मन्नतें मांगू मैं और दुआ ये करूं तुझसे।